नमस्ते प्यारे स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कपिल रानी फ्रॉम जीजी ट्रिपल एस जींद। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 9th क्लास के। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन आंसर है वो जो कॉमन है वो किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको सोल्व करके मैंने नोटबुक के अंदर उनको कॉपी करके रखा है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी जाएगा जब मैं आपको समझाऊंगी। तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप समझना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और सभी क्लासेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये 9th क्लास के नोट्स हैं लेकिन ये सभी क्लासेस के लिए जनरल क्वेश्चन हैं जो सभी लेवल के एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारा जो टॉपिक है वो था लेसन के अंदर से है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का तो आपको पता होगा, हार्डवेयर के जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर्स के, ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो मैं ये शॉर्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो इसमें देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें मैंने किया है कंप्यूटर इज ए फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइस। ठीक है, तो कंप्यूटर कैसा डिवाइस है? कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो आपको करना है कंप्यूटर कैसी मशीन है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मतलब बिजली से चलने वाली मशीन है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है और हम स्कूल के अंदर जो कंप्यूटर की क्लासेस लगती हैं बच्चों को पता होगा क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है ये, पता होना चाहिए सबको कि कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ CPU। तो CPU क्या है? एक हार्डवेयर है कंप्यूटर का, तो CPU की फुल फॉर्म हमें बतानी है, वो है CPU। CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो ऑप्शन जब आएंगे, हो सकता है ऑप्शन ना आए, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएं, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि CPU क्या है, CPU की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है माउस इज ए फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइस। माउस जो है वो कैसा डिवाइस है? हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था कि जो कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, जो इनपुट आउटपुट जो जिनसे हम जो पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो माउस से हम क्या करते हैं, कोई भी आइकन को क्लिक कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं क्लिक करके। ओके, तो माउस क्या है? माउस इज ए इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट डिवाइस। आपके ऑप्शन आ जाए माउस इज ए आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर राइट आंसर इज द इनपुट डिवाइस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, मॉनिटर इज ए फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइस। मॉनिटर कैसा डिवाइस है? अब हमने माउस से तो क्या किया, किसी भी आउटपुट को मॉनिटर के अंदर जो भी हमें आइकन दिखते हैं उनके ऊपर हम कर्सर ले जाके माउस से हम क्लिक करते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और मॉनिटर किसको बोलते हैं? जो हमारी कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, डिस्प्ले जो स्क्रीन होती है उसको हम मॉनिटर बोल देते हैं। ठीक है, तो मॉनिटर के ऊपर क्या दिखाई देता है हमें? हमें कोई भी जो हम चीज़ ओपन करना चाहते हैं वो हम क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, मीन्स वो हमें आउटपुट देता है, वो हमें शो करता है जो भी हम चीज़ देखना चाहते हैं। तो मॉनिटर इज ए राइट आंसर इज द आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, टू स्टार्ट ए कंप्यूटर प्रेस द पावर बटन ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो इसमें क्या, इसका मतलब क्या है? अगर हमें कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, ठीक है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हम पावर बटन को ऑन करते हैं, वो कहाँ करते हैं, किस में होता है वो पावर बटन? CPU के अंदर।
ठीक है। आप देखना आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब के अंदर कंप्यूटर होंगे तो ओपन करके देखना, आप कंप्यूटर टीचर से पूछ के देखिए कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो पावर बटन होता है वो सीपीयू, सीपीयू क्या होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जिसको हम बोलते हैं, सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जब तक उसको हम ऑन नहीं करेंगे कंप्यूटर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हम पावर बटन कहाँ से ऑन करते हैं, सीपीयू से, ओके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, की लेबल्ड फ्रॉम F1 टू F12 आर कॉल्ड, ठीक है। तो जो F1 से लेके F12 तक जो कीज होती हैं किसके अंदर, कीबोर्ड के अंदर, कीबोर्ड के अंदर सबसे ऊपर देखना आप F1, F2, F3, F4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, F12, ठीक है। तो ऐसे आपको की मिलेंगी सबसे ऊपर रो के अंदर। तो जो F1 से लेके F12 तक जो कीज होती हैं उनको कौन सी कीज बोलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बोलते हैं हम फंक्शन कीज। क्या बोलते हैं, फंक्शंस कीज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि F1 से लेके F12 तक जो कीज होती हैं उनको क्या बोला जाता है, फंक्शंस कीज बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, कीज सच एज कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, ऑल्ट, कैप्स लॉक एंड टैब आर कॉल्ड क्या, मतलब क्या होती हैं जो ये कीज होती हैं इनको कौन सी कीज बोलते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड के अंदर हमारी कीज होती हैं, कंट्रोल होती है, शिफ्ट होती है जिसको हम दबा के प्रेस करके जो है लेटर को बड़ा कैपिटल या स्मॉल कर सकते हैं, स्पेस बार होता है जिसे हम स्पेस देते हैं जब कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। ऑल्ट होता है ALT, कैप्स लॉक होता है जिसे हम लॉक लगा सकते हैं, टैब होता है जिससे भी हम स्पेस दे सकते हैं। तो ये जो कीज होती हैं इनको कौन सी कीज बोला गया है, तो These are called special keys. इनको कौन सी keys बोलते हैं, special keys बोलते हैं। पीछे क्वेश्चन आया था F1 से लेके F12 तक जो keys होती हैं वो कौन सी होती हैं, function keys होती हैं, और जो control, shift, space bar, alt, caps lock, tab ये होती हैं special keys, okay? अब आता है next question number 8, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, देखो मैंने दो बिंदु लगाए हैं, इनको बोलते हैं colon, ठीक है। नेक्स्ट है एक बिंदु नीचे कोमा, इसको बोलते हैं सेमी कोलन, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क, जो दोनों साइड हम किसी जो कोई लेटर को हम दोनों तरफ से बंद कर देते हैं उनको कोटेशन मार्क लगा के, तो ये जो मार्क होते हैं इनको कौन सी कीज बोला जाता है, इनको बोला जाता है पंचुएशन कीज, ठीक है। कोलन, सेमी कोलन, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क, ये सभी कौन सी कीज होती हैं, ये होती हैं हमारी पंचुएशन कीज होती हैं, ओके। अब होता है क्वेश्चन नंबर 9, अब इसके अंदर है होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, ये जो कीज होती हैं कीबोर्ड के अंदर ये क्या कहलाती हैं, कौन सी कीज कहलाती हैं, ये कहलाती हैं नेविगेशन कीज। क्या कहलाती हैं ये, नेविगेशन कीज। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कीबोर्ड के अंदर होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, ये जो कीज होती हैं ये हमारी आती हैं नेविगेशन कीज होती हैं। F1 से F12 पंचुएशन कीज, ठीक है। शिफ्ट, स्पेशल बार, स्पेस बार, कंट्रोल, कैप्स लॉक, टैब, ये हमारी स्पेशल कीज होती हैं। F1 से F12 हमारी फंक्शन कीज होती हैं, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इंसर्ट, डिलीट, बैकस्पेस आर कॉल्ड कीज, ये कौन सी कीज होती हैं जो कीबोर्ड के अंदर इंसर्ट, डिलीट, बैकस्पेस, ये जो कीज होती हैं कौन सी कीज होती हैं हमारी, इनको भी हम स्पेशल कीज बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द डिलीट की एंड द बैकस्पेस की आर यूज्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स टेक्स्ट, ठीक है। जो कीबोर्ड के अंदर जो डिलीट की होती है और जो बैकस्पेस की होती है इसका यूज हम किस लिए करते हैं, किस लिए करते हैं, आर यूज टू रिमूव टेक्स्ट, ठीक है। कोई भी हमने लिखा टेक्स्ट उसको रिमूव करने के लिए हम कौन सी कीज का यूज करते हैं, या तो हम डिलीट कीज का यूज करते हैं या फिर बैक स्पेस, मतलब उसको बैक आके उसको डिलीट कर देंगे या फिर डिलीट की से हम टोटल एक साथ डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ माउस, ये हमारा 2 नंबर का भी आ सकता है क्वेश्चन कि हमें माउस के बारे में एक्सप्लेन करना है कि माउस
क्या है? तो सबसे पहले आपको पता है कि माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस एक स्मॉल डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले आइटम्स को क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं, उनको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा कैसा डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कुछ की शॉर्टकट कीज दी। अभी हम देखेंगे कि सम इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज, कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हर जो है पेपर के अंदर काफ़ी बार आई हैं, इनमें से एक दो कीज आई है, तो इनको आप ध्यान से देखेंगे कि सम इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज आर। पहली आप देखेंगे कि कंट्रोल प्लस जेड, जो कंट्रोल प्लस जेड की होती है वो किस लिए होती है, अंडू के लिए। अंडू का मतलब क्या होता है कि कोई हमने टेक्स्ट लिखा उसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, उसको हम चाहते हैं कि वो दोबारा से आ जाए, तो हम क्या करें, कंट्रोल प्लस जेड करेंगे और वो पहले के जैसा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई का मतलब होता है रीडू, मतलब वापस से जैसा था वैसा ही हो जाना। कंट्रोल प्लस ए से हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल, किसी भी टेक्स्ट को हम एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे और जितना भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है सारा हमारा एक साथ सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एक्स, अगर हमें किसी चीज़ को कट करना है तो उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करेंगे जिससे कि पूरा टेक्स्ट जो है कट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी से हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, आप याद रख ली ऐसे याद रखेंगे सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वी से क्या करेंगे, हम पेस्ट कर सकते हैं। मान लो हमने मेरा नाम लिखा कपिल, अब मैं चाहती हूँ कि कपिल मेरे को 10 बार लिखना है, तो मैं एक तो मैं बार बार टाइप करूँगी 10 बार, एक क्या करूँगी कपिल को मैंने कंट्रोल प्लस सी किया कॉपी, उसके बाद नीचे कर दिया कंट्रोल प्लस वी पेस्ट, मतलब वही चीज़ दोबारा आ जाएगी, लिखनी नहीं पड़ेगी हमें, तो 10 बार करना है कंट्रोल प्लस वी, बार बार हम पेस्ट करते जाएंगे और वो पेस्ट होता चला जाएगा। कंट्रोल प्लस पी से हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस पी किस लिए होता है, प्रिंट के लिए, अगर हमें कोई किसी भी प्रिंट की कमांड देनी है प्रिंटर से, हम चाहते हैं प्रिंट आउट निकालना, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस पी प्रेस करेंगे और वो जो है प्रिंट हो जाएगा हमारा टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस एस से हम क्या करेंगे, एस मतलब सेव, किसी भी डॉक्यूमेंट को हमें सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस दबा के उसको हम सेव कर सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकती हैं, इनको आप एक बार ध्यान में रख के इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है www की फुल फॉर्म बताएं, ठीक है, तो www की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब, ओके, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंटरनेट, ये तो आप बता ही सकते हैं कि दो नंबर का तीन नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेट के क्या यूजेस हैं, सभी को पता है आजकल तो इंटरनेट बच्चा बच्चा चलाता है, अब ऑनलाइन स्टडी ऐसी हो गई है कि इंटरनेट के बिना तो कुछ होता ही नहीं, तो इंटरनेट की हेल्प से हम कुछ भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन मूवी देख सकते हैं, ऑनलाइन कोई सॉन्ग सुन सकते हैं, वीडियो सॉन्ग सुन सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, हम कुछ भी ऑनलाइन जो है कर सकते हैं। तो इंटरनेट का यूज़ हम किसी भी टॉपिक को सर्च करने के लिए या ऑनलाइन कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउज़र, इनमें से कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए हैं मैंने, और इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र का मतलब होता है जिसका यूज़ हम इंटरनेट पे सर्च करने के लिए करते हैं, तो आपको याद आ जाएगा ऑप्शन में देखने से ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउज़र। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट, ऑप्शन बी क्रोम, ऑप्शन सी विंडो, ऑप्शन डी नन ऑफ अबो। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट तो इंटरनेट है, उसे तो हम वो तो एक सर्वर है जिससे हम सर्च करते हैं। क्रोम क्या है, वेब ब्राउज़र है, आता है ना क्रोम या फिर गूगल, इस पे हम जाके सर्च करते हैं, तो ये क्या है, वेब ब्राउज़र होते हैं जिन पे हम ब्राउज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 15 विच ऑफ द इज एन ईमेल सर्विस, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से ईमेल की सर्विस कौन सी है, तो व्हाट्सएप, वीचैट, जीमेल, फेसबुक, सबको पता है
कि जीमेल से हम क्या करते हैं, ईमेल करते हैं। तो जीमेल क्या हुई, एक ईमेल सर्विस हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एम ऑफ एंटरप्रेनर, एंटरप्रेनरशिप का क्या एम है, अर्न एंड प्रॉफिट, ठीक है, कमाना और प्रॉफिट कमाना, सोल कस्टमर। ठीक है, तो दोबारा देखते हैं क्वेश्चन, ये बीच में कॉल आ गई थी। व्हाट आर द एम ऑफ एंटरप्रेनरशिप, जो एंटरप्रेनरशिप, एंटरप्रेनरशिप क्या होता है, स्वयं रोजगार। ठीक है, तो क्या एम है, क्यों एंटरप्रेनरशिप आवश्यक है, उससे क्या फायदा होता है। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन ए है, अर्न एंड प्रॉफिट मतलब कमाना और फायदा करना, सोल्व कस्टमर नीड, कस्टमर की नीड को सोल्व करना, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन ऑफ अबो। ठीक है, तो राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी ऑप्शन। हम एंटरप्रेनर किस लिए बनते हैं, अर्न करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए और कस्टमर की नीड को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी एंटरप्रेनरशिप की एम है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द ग्रीन स्किल। अब ग्रीन का मतलब यहाँ पे वो वाला ग्रीन नहीं है कि हरे वाला। ठीक है, ग्रीन स्किल क्या होती है, ग्रीन जो है हमारी इकोनॉमी है। ठीक है, हमारी जो वातावरण है, इकोनॉमी जो है उसको बढ़ाने के लिए जिन साधनों का हम यूज़ करते हैं वो ग्रीन स्किल कहलाती है। ठीक है, जैसे कि हम अपने आसपास के वातावरण को जिससे हम अच्छा बना सकते हैं, जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सोलर पावर पॉइंट है, होते हैं हमारे, सोलर गैस होती हैं, बायोगैस होती हैं, तो इनका क्या होता है, रीयूज़ होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों, जो चीज़ें मतलब हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, उनको हम किस तरीके से यूज़ करके दोबारा से उनको रीयूज़ कर सकते हैं, तो वो एक तरह से हमें हमारी इकोनॉमी को बचाने के लिए है, वो हमारी ग्रीन स्किल कहलाती है। नेक्स्ट आता है ग्रीन कंज्यूमर डे, कौन सा होता है, जो हम एवरी ईयर, ईच ईयर 28 सितंबर को हम मनाते हैं, 28 सितंबर को ग्रीन कंज्यूमर डे कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट, ये मैंने 9th के जो लास्ट वाले लेसन हैं उनमें से ये सेलेक्ट किए थे, और वैसे तो ये सभी क्लासेस के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, तो एक बार सभी क्लासेस को जो है आप अपने स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं, और ताकि इसमें से कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उनसे वंचित ना रह सकें। तो इसी के साथ एंड करती हूँ अपनी वीडियो को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम 10th क्लास का देखेंगे, क्योंकि 9th क्लास का जितना भी इम्पोर्टेंट था वो इसका क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है चैप्टर लगभग हो गया है, तो अभी 10th क्लास का देखेंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हैं वो नज़दीक हैं, मार्च के अंदर एग्ज़ाम हो जाएंगे, ये लगा लीजिए एक 1 मंथ भी नहीं है, तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें अपनी पढ़ाई के ऊपर, ताकि क्योंकि पूरा साल हमारा ज़्यादा कुछ खास नहीं गया, स्कूल भी इतने खास नहीं लगे, तो 1 मंथ आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर लेके पास हो सकते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिए, हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं और आप ही के भविष्य के लिए हम मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप सहयोग देंगे तो आप ज़रूर अच्छे नंबरों से पास होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तो इसी के लिए विदा चाहती हूँ आपसे, थैंक यू। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक उसका नोटिफिकेशन जा सके।